हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत वेलकम करना चाहता हूँ सुपर स्मैश पर। और आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 सुपर हीरो के बारे में। हमारे देश में मार्वल डीसी का क्रेज कितना है बताने की जरूरत नहीं है। पर हम आज इंडियन सुपर हीरो के बारे में बात करेंगे। इंडियन सुपर हीरो भी किसी से कम नहीं है, इसलिए बिना कुछ देरी करके इस वीडियो को शुरू करते है। चलो भाई, नंबर 10 पे है मिस्टर इंडिया, एके अनिल कपूर सर। अनिल कपूर सर अपने आप में ही एक सुपर हीरो है, ये कभी बुड्ढे ही नहीं होते। मिस्टर इंडिया के पास गायब होने की पावर है। गायब होने के बाद आम आदमी क्या करता है? पर जो तुम सोच रहे हो वो ये नहीं करता, ये भी एक अच्छे हीरो की तरह दूसरों की मदद करता है। मिस्टर इंडिया के पास गायब होने के सिवाय और कुछ भी पावर नहीं है। इसकी कमजोरी भी रेड लाइट है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं यार, रेड लाइट जिसकी मदद से मिस्टर इंडिया को देख सकते हो। बट मुझे पर्सनली मिस्टर इंडिया से ज्यादा उसके विलन बोगैम्बो पसंद है। बोगैम्बो खुश हो। और नंबर 9 पे है भावेश जोशी। भावेश जोशी बॉलीवुड के बेस्ट मूवी में से एक है। भावेश जोशी मेरा पर्सनली फेवरेट हीरो में से एक है। मुझे लगता है भावेश जोशी एक ट्रू इंडियन सुपर हीरो है। इसके पास नहीं सुपर पावर, नहीं सुपर स्ट्रेंथ, पर उसके पास जज्बात है लाइक अ बैटमैन। भावेश जोशी दूसरे सुपर हीरो मूवी जैसा कॉमन नहीं है। विलन को पीटना, माने मोटिवेट कर दिया तो विलन को चांद पे पीटना, ये बिल्कुल फ्रेश माल है। मजा आया। ये मैं नंबर 9 पे रखना नहीं चाहता, बट इसके पास सुपर पावर नहीं होने कारण ये टॉप 9 पे है। हीरो पैदा नहीं होता, बनता है। नंबर 8 पे है नागराज। नागराज इंडिया के मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो में से एक है। ये कैरेक्टर 30 साल पहले नागराज इशू नंबर 14 में आया था। नागराज के पावर काफी डिफरेंट है दूसरे सुपर हीरो से। ये हीरो क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ अपने पावर को यूज करता है। इसके पास सुपर हीलिंग, सेफ शिफ्टिंग, सुपर स्ट्रेंथ और स्नैक पॉइजन और भी सारे सुपर पावर है। नंबर 7 पे है गरीबों का दोस्त हमारा फ्लाइंग जेट। फ्लाइंग जेट मूवी क्रिस से इंस्पायर होकर बनाया था, और इसकी स्टोरी और VFX देखने के बाद ऐसे तो नहीं होता है। तुमसे ना हो पाएगा। फ्लाइंग जेट के पावर स्ट्रेंथ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर सोनिक स्पीड और सुपर हीलिंग है, और सबसे ज्यादा इसके पास गुरु नानक के ब्लेसिंग है, इसलिए हम इसके पावर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 6 पे है मिन्नल मुरली। एक ट्रूली इंडियन सुपर हीरो है। मैंने ट्रूली इसलिए बोला क्योंकि इसके कैरेक्टर और स्टोरी हमें ट्रूली इंडियन वाइब देता है। मिन्नल मुरली के पास भी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है, और ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर में से एक है, और फ्यूचर में मिन्नल मुरली के पावर और भी ज्यादा दिखा सकते है। नंबर 5 पे है द चिट्टी द रोबोट। ये मूवी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर हम चिट्टी के पावर के बारे में कुछ बात करेंगे। रोबोट के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी है। ये अपने आप में ही एक सुपर कंप्यूटर होने के साथ ही ये अपने आप में ही एक सुपर मैग्नेट भी है, और ये फायर प्रूफ भी है, और इसकी कमजोरी और ताकत दोनों ही बैटरी ही है। नंबर 4 पे है G1। G1 एक गेमिंग एंड्रॉइड सुपर हीरो है। इसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है, और ये एक एंड्रॉइड होने के कारण ये अपने आप में ही एक सुपर कंप्यूटर है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल और एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। परमाणु ये कॉमिक्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक है, इसलिए हम थोड़ा कॉमिक के स्टोरी बताने की कोशिश करेंगे। बिने नाम का एक लड़का होता है। बिने एक दिन एक मर्डर का विटनेस बनता है। पुलिस कमिश्नर ने किया होता है, इसलिए बिने को पकड़ने के लिए पुलिस उसका पीछा पड़ता है। बिने का एक अंकल होता है जो प्रोफेसर होता है। उसने एक सूट बनाया होता है, और प्रोफेसर अंकल ने बिने को पुलिस से बचने के लिए वो सूट देता है, और बिने बनता है परमाणु। परमाणु के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर सुपर स्पीड, एंटमैन की तरह शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, और उसके चेस्ट से एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। नंबर 2 पे है क्रिश। क्रिश एक हमारे मतलब बाप को मत सिखा। क्रिश के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बचपन का प्यार है। ये वाला नहीं, क्रिश के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्टेमिना है, और ये जादू के दोस्त रोहित से मर्ज होने के बाद और भी पावरफुल बनता है, और फ्यूचर में इसके फ्रेंचाइज देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। नंबर 1 पे है हमारा तुम्हारा शक्तिमान।
शक्तिमान एक सुपर हीरो ही नहीं पर हर एक इंडियन बच्चे का एक इमोशन है। बचपन में ये देखने के बाद हमारा दिन बन जाता था। शक्तिमान के पास बहुत सारी पावर है और मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको भेज, तेरे बस की बात नहीं। किंतु मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शक्तिमान 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सब कुछ है। मुकेश सर ने शक्तिमान की मूवी अनाउंस करने के बाद इसे देखने के लिए हम सब छोड़ छाड़ के इसे देखने के लिए जाएंगे। इसी होप के साथ हमारा टॉप 10 इंडियन सुपर हीरो की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट में बता दीजिए। और इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द सुपर स्मैश।